हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एनुइटी का लेक्चर नंबर 3 है जिसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। मतलब शॉप का वैल्यू कितना है? 1 लाख। गोडाउन का वैल्यू है 2 लाख। आई होप इतना इंग्लिश समझता आप। प्रश्न नंबर 11। मराठी में 11 होता है, हिंदी में 11। मैंने मराठी निकल गया, महाराष्ट्र में रहता है मैं। वाओ। पॉलिसी वैल्यू ऑफ, पहला कौन है भाई? शॉप। कितना है? 1 लाख। फिर पॉलिसी वैल्यू ऑफ कौन है भाई? गोडाउन। या इट इज प्रॉपर्टी वैल्यू। कितना? 2 लाख। थोड़ा सा एक करेक्शन करेंगे यहां पे। पॉलिसी की जगह पे अपने को क्या लिखना है? प्रॉपर्टी वैल्यू। वेरी गुड। तो ये दोनों आपका जो है प्रॉपर्टी वैल्यू। समझ में आया? अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? रिस्पेक्टेड मतलब इज्जत दिया उसको। वेर इंश्योर थ्रू एन एजेंट। अच्छा, एजेंट के थ्रू हमने इसके बारे इंश्योरेंस निकाला है जिसको 12% टोटल प्रीमियम का पे करना है। मतलब जो हमने इंश्योरेंस निकाला है, अभी दो वैल्यूज है, दोनों के बारे इंश्योरेंस निकाला रहेगा, तो जितना भी इंश्योरेंस निकाला है उस पर जो भी प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम पे हमको 12% क्या देने का है? कमीशन। एजेंट का कमीशन प्रीमियम पे कैलकुलेट होता है। एजेंट का कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? प्रीमियम पे। बात समझ में आया क्या? तो एजेंट का कमीशन, एजेंट कमीशन कितना है? 12%। किसका? टाइम पास। टोटल प्रीमियम। आगे आगे बढ़ते। इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80%, गो डाउन फॉर 60%। मतलब ये पॉलिसी वैल्यू की बात कर रहा है, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना है? 1 लाख का 80% वैल्यू। बराबर है कि नहीं? क्या बात है, स्मार्ट हो गया तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन में। गुड। एंड पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना है? गोडाउन 60%। तो 2 लाख का 60% 120। ये आ गया पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू मिल गया, तो प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं। प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? पॉलिसी वैल्यू पे। प्रीमियम के बारे में कुछ बोला है क्या? जरा चेक करते। फाइंड द एजेंट कमीशन पूछा है। गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80% लेस 20%। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में उसने बोला है, जो रेट है आपका वो कितना है? 0.80 में माइनस करना है 20%। किसका? 0.80 का। हाया नहीं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.80 माइनस 0.80 इंटू 20/100। हाँ जी, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आएगा? 1.6 आएगा ना। क्या बात है, यू आर रॉन्ग बेटा। 80 पैसे में 1 रुपया माइनस करेंगे, 1.6 मतलब 1 रुपया 60 पैसा हुआ ना, और प्रीमियम तो 80 पैसा है। 0.16 ऐसे कैसे चलेगा रे? 80% प्रीमियम जो होता है वो परसेंटेज पे होता है ना। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या होगा यहां पे? 80/100। प्रीमियम 80% लेस 20%। 20% किसका? प्रीमियम का ही ना। तो इधर परसेंटेज तो है ही है ना, उधर तो मैं लिखने वाला ही हूं। 100 का 0.80% कितना आएगा? 100 का 80 आएगा ना, 80 पैसे आएगा ना। मतलब 1 रुपया है, 1 रुपया मतलब 100 पैसे होता है ना। 1 रुपी मीन्स 100 पैसे, ये तो पता है।
तो 1 रुपी का अगर मुझे 0.80% निकाला, मतलब 80 पैसे आएगा। अब 80 पैसे में वो कितना कम करने बोला है, 20%। अरे हाँ, 80 का 20% बोल रहा है ना कम करने के लिए, तो 80 का 20% कितना आएगा, तो 16 पैसे, 16 पैसे ना। 8 का 20% कितना आएगा, 8 रुपीज का 20% कितना आएगा, 1 रुपया 60 पैसा। 8 रुपीज है, 8 रुपीज का 20% कितना आएगा, 1.6 आएगा। 8 रुपीज का ये 80 पैसे है, मतलब 1.6, 16 पैसा। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो परसेंटेज खाली लिख लो ना, ये इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना डिजिट का पॉइंट आएगा, 2 का आएगा ना, 1 और 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.80 माइनस 0.16 ना। अरे हाँ, समझा क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 16 हो जाएगा, इधर 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालोगे तो 0.16 ना। तो 80 पैसे में 16 पैसे माइनस करो तो कितना आएगा, 0.64%। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, समझा नहीं, बेसिक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देता हूं, रुको। या मैं बोल रहा हूं 1 रुपया मेरा प्रीमियम है, एग्जाम 1 रुपया है, इस पे मैंने बोला 20% कम होगा, 1 रुपये में 1 का 20% निकालना है। 1 का 20% कितना आएगा देख लो, 1 × 20/100, 2/10, एक डिजिट का पॉइंट, 0.2 आएगा ना। 1 का 20%, तो 1 − 0.2 करोगे ना, तो कितना आएगा, 0.8। अरे बात समझा, क्लियर हुआ, 1 रुपए का 1 रुपी का। अब ये परसेंटेज में होता तो आप इधर क्या लिखते, परसेंटेज में लिखते, तो मैंने कहा मेरा जो है क्वेश्चन में 0.80% लेस, कितना बोला 20%, 20% किस चीज का, इसी चीज का ना, उसने ऐसा बोला है 0.80% लेस 20%, 20% किस चीज का, इसका ना, इसका मतलब 0.80/100 का कितना, 20%। ठीक, पक्का? इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज ना, स्टिल कंफ्यूज, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम कंफ्यूज है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपने इधर 100 क्यों कर दिया, आपने इधर 100 नहीं लिखा, हमको नहीं समझ में। 80% को 0.8 लिख सकते हो, जीरो मत डालो, चलो 20/100 कर सकते हो, हो गया काम। देखो आंसर क्या आता है, कितना है, 1.6 डिवाइड बाय 10, हाँ देख लो कितना आता है, डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, ये लो सबर चलेगा, मतलब कितना डिस्काउंट देने का है, 0.16 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब लेस होगा किस में, आपके 80% में, 80% मतलब कितना है, 0.8 ही है ना, तो 0.8 में लेस कितना करना है, 20%, 20% अमाउंट कितना है, 0.16, तो माइनस करो 0.80 − 0.16, 0.64, और वो तो परसेंटेज में ही है। अभी समझा, पक्का? ये सिंपल वाला चीज था जो आपको टाइम लग गया समझने में, कोई नहीं चलता है, ये सब उम्र में, इट्स नॉर्मल। ठीक है, बड़े आ गया अभी, पक्का? चल, अब अपने को मिल गया रेट ऑफ प्रीमियम का भी, हाँ इधर बड़े हैंडराइटिंग में होगा, ये खाली स्मॉल इसलिए किया अमाउंट्स के लिए। तो अब मुझे क्या फाइंड करने का है, प्रीमियम। अब प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पॉलिसी वैल्यू पे, पॉलिसी वैल्यू में दो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू फॉर शॉप एंड पॉलिसी वैल्यू फॉर गोडाउन, बराबर है? तो शॉप का कितना, 1 लाख, 1 लाख नहीं, 80,000, वेरी गुड, तो ये आ गया 80,000
इनटू रेट कितना है 64 अपॉन 100, ठीक है। और गोडाउन कितना है 1,20,000, 1,20,000 पे भी 0.64 अपॉन 100, दो डिजिट से जीरो कम हो जाएगा, 800 × 64 अपॉन 100, क्या बात है, दो जीरो कट हो गया, तो 6, 4, 8 = 32 बराबर 6, 8 = 48, 49, 50, 51, 512, ये क्या आया प्रीमियम आ, बराबर है। यहां पे आता सेम दो डिजिट से पॉइंट निकल गया, 1200 × 64 अपॉन 100, फिर इसका दो जीरो कट हो गया, 64 × 12 करते बराबर है, 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे वर्किंग करता हूं, 64 × 12 = 8 128 047 बराबर है, 768 सर होता है, यहां पे आ जाएगा 868। ये प्रीमियम और ये प्रीमियम को ऐड करेंगे तो टीपी यानी कि टोटल प्रीमियम मिल जाएगा 512 + 868, दैट इज 0 1 कैरी अप 6 7 8, 8 और 5 13, 13 कौन सी है ना, कोई नहीं, ये नंबर में नॉर्मल है, तो यहाँ पे रेट चेंज हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा 768, तो ये हो जाएगा 1280। हाँ, परसेंटेज ना, हाँ जीरो, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट हटा दिया 64, इधर कितना लिखा 800 ही लिखा ना मैंने, तो ये दो जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना, सेम इधर भी वही किया ना, समझा, हो गया। अब इसका कितना परसेंट एजेंट को कमीशन देना है, एजेंट कमीशन मिली 1280 × कितना परसेंट बोला है 12 अपॉन 100, कैंसलेशन कर सकते हो ना, जीरो जीरो कैंसिल कर दिया भाई, टू के टेबल में, टू के टेबल में बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एजेंट का कमीशन डन, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, क्या दिया है, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1,00,000 इज ₹, ध्यान से देखना, थोड़ा सा है छोटा सा सम बट ध्यान से, रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1,00,000 इज ₹56 पर 1000 पर एनम, 1,00,000 रुपए का, किसने बोला, द रेट ऑफ प्रीमियम, 1,00,000 का अगर पॉलिसी है तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, ₹56 पर 1000 पर एनम, 1,00,000 के ऊपर ₹56 का प्रीमियम आएगा, रिबेट यानी कि डिस्काउंट कितना मिलेगा उस पर, 75 पैसे पर 1000 is permitted if the premium is paid annually, find the net amount of the premium payable if a policy holder pays premium annually, agar policy holder regular premium bhar raha hai to kya find karne bola, net amount of premium payable, utna usko pay karna padega, theek hai, to question mein mujhe kya kya samajh mein aaya, question mein mujhe samajh mein aaya hai ki policy value diya hai kitna 1,00,000, तो प्रीमियम कितना, प्रीमियम इज 56 पर 1000, जिसमें मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है 0.75 बराबर है, 0.75 पर 1000 ऑफ 56 ना, बराबर जैसे अभी किया था मैंने 80 का, बराबर उसने क्या बोला है 56,000 पर एनम, और रिबेट ऑफ 75 पर 1000 इज परमिटेड, रिबेट यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, प्रीमियम पे मिलेगा ना, और प्रीमियम का रेट कितना है 56, तो इसी के बाद रिबेट होगा, तो पहले तो अपन इसका रिबेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 56 × 0.75 अपॉन 1000
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, इसका पॉइंट हट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन के ऊपर ही है। 56 इंटू 75 अपॉन 1000 तो था और दो जीरो आ जाएगा, 25 का टेबल आता रहेगा, 25 थ्री जा 25 फोर जा और तीन जीरो, माइनस 56 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 1000, हाँ बराबर है, समझा क्या किया, 4 वन जा 4 4 4 जा 16, क्या बात है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 3 वन जा 3 एंड 1 4 अपॉन 1000, मतलब कितने डिजिट के बाद पॉइंट, 3। तो मेरा इधर आंसर था 56 पर 1000 माइनस 0.0042, तो 1000 पे 56 रुपीज आएगा, तो उस पर डिबेट कितना होगा रिबेट का 0.04। अब यहां पे माइनस कैसे होगा, 56 माइनस 0.042, हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे, बोलो क्या बोल, बोलो क्या, हाँ मेरे को लगा ही था, अभी इसके पहले 80 पैसे निकाला अपन ने परसेंटेज, तो उधर अपॉन 100 क्यों रखा था, बाद में 64 को भी अपॉन 100 क्यों रखा, क्योंकि अपने को अमाउंट मालूम नहीं है ना, अपने भी तो परसेंटेज है ना, 1000 का 56 परसेंट कितना आएगा, 1000 का 56 पर 1000 कितना आंसर आएगा, उसने क्या बोला है 56 परसेंट पर 1000 पर एनम, परसेंटेज बोला रहता तो 56 अपॉन 100 लिखते आप, बट यहां पे परसेंटेज के जगह क्या बोला है 1000 बोला है, तो 56 परसेंट नहीं 56 पर 1000, अगर 1000 रुपया तुम्हारा पॉलिसी का है तो 56 रुपीज उसका प्रीमियम है, तो 1000 का 56 कितना का 56, उस क्या लिखा रहता 2000, तो 2000 लिखते आप, 3000 बोला रहता तो पर 3000, खाली 56 परसेंटेज बोला रहता तो परसेंटेज मतलब 100, समझा, तो 1000 का 56 परसेंट कितना आएगा 56, परसेंटेज नहीं पर 1000 कितना आएगा 56, इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा 0.042, तो जो आंसर आएगा उसको फिर से डिवाइड बाय 1000 रखेंगे, क्योंकि इतना आपको रिबेट है, तो यहां पे माइनस करता हूं मैं कितना 55.952, ये मेरा परसेंटेज है प्रीमियम का, बात समझ में आया, मतलब अगर मैं 1000 रुपए का पॉलिसी लेता हूं इधर, ठीक है, यहां पे आपको आएगा 55.958, ठीक है, अगर मैं 1000 रुपए का पॉलिसी लेता हूं तो मुझे 55.958 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1000 का कैलकुलेशन किया ना अभी तक, तो अगर 1000 का पॉलिसी तो इतना, तो लाख रुपए का है तो कितना, अब ये मैंने ऐसा लिखा, मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था, अब मेरा पॉलिसी 1 लाख का है, प्रीमियम कितना आने वाला है 55.958 पर 1000, ये लिखने वाला था, अब इधर कैलकुलेट करके देखो क्या आने वाला है, सेम ना, समझा, तो यहां पे कैलकुलेट करोगे इसका कितना है, तीन डिजिट इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 55958 इंटू 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, दो जीरो 10, मतलब एक के बाद पॉइंट डाल दोगे 55958, जालो समझा, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, नेक्स्ट कौन सा, 13th वाला, 13th है ना अभी, ठीक है, अभी बेसिक है, जरा ध्यान से दो, वेयर हाउस है जिसका कीमत कितना है 40, कंटेन गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000, जैसे अभी शॉप और गोडाउन किया था सेम वैसा ही, तो दो चीज है, एक वेयर हाउस है और एक गुड्स है, क्वेश्चन नंबर 30, वेयर हाउस का पॉलिसी वैल्यू बोल सकता हूं मैं इसे या प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर वेयर हाउस कितना है भाई 40,000,
एंड प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर गुड्स कितना है 2,40,000। आगे क्या है, द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट अ फायर फॉर 1,60,000। इसका पॉलिसी वैल्यू 16,000 है या नहीं, और इसका पॉलिसी वैल्यू यानी कि गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू कितना है, बोला है एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, मतलब 2,40,000 का 90%। इसका 90% कैलकुलेट कर लेता हूं, 20 कैंसिल, 0,094,36, 3,92,18, 19,20,20, 2,16,000, ठीक है 2,16,000 आएगा। इधर 20 था ना, एक 90% है, 2,16,000 बराबर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 20 कैंसिल, एक उधर 90 का भी है ना, ठीक है। यहां तक मुझे प्रॉपर्टी पॉलिसी दोनों मिल गया। आगे क्या, आगे क्या है, द गुड्स वर्थ 18,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, गुड्स में लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 80,000 का बराबर, वेर कंप्लीट, वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80%, और रिमेनिंग गुड्स में कितना लॉस हुआ, 80%। मेरे पास टोटल गुड्स कितने का था, 2,40,000 का, 2,40,000 में 80,000 तो पूरा चला गया, बचा 1,60,000, 1,60,000 में अभी भी कितना लॉस है, 80%, तो मोर लॉस विल बी 1,60,000 इंटू 80/100 बराबर है, तो इधर आ जाएगा 1,20,000, 1,28,000 पक्का, गुड, 1,28,000, मतलब ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये गुड्स का टोटल लॉस हुआ कितना, तो 80 + 1,08,000 टोटल गुड्स का लॉस हुआ 2,08,000 बराबर। आगे आगे क्या है, डिस्ट्रॉय टू 80% ऑफ द वैल्यू, द डैमेज ऑफ द वेयर हाउस इज टू एक्सटेंड ऑफ 8,000, यहां पे भी लॉस हुआ है वेयर हाउस में 8,000। मुझे क्या फाइन करने का, टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, अरे क्लेम का पॉलिसी पूछा है, मतलब इधर क्लेम फाइन करना है, क्लेम का क्लेम, क्लेम पॉलिसी वैल्यू मालूम है आपको, पॉलिसी प्रॉपर्टी इंटू लॉस। अभी अगर मैं क्लेम फाइंड कर रहा हूं वेयर हाउस का, तो पॉलिसी वैल्यू 16,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000, लॉस 8,000, 3,030, 1,010, 4,1, 4,4, 16, 3,200, फिर और एक इधर भी क्लेम निकाल लेता हूं, प्रॉपर्टी वैल्यू है, सॉरी पॉलिसी वैल्यू है 2,16,000, 2,40,000 इंटू 2,08,000, कैलकुलेशन डन, दोनों क्लेम को ऐड करो, टोटल क्लेम मिल गया, समझा। लास्ट सम देखते क्या दिया है, अ पर्सन टेक अ लाइफ पॉलिसी फॉर 2,00,000, मतलब पॉलिसी कितने का लिया है, 2,00,000, दिस कैन बी माई पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितना है भाई, 2,00,000। आगे बढ़ो, पर पीरियड ऑफ 20 years, यहां पे कुछ एन वगैरह दे, ठीक है, ही पेस प्रीमियम फॉर 10 years, प्रीमियम का पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट सिर्फ 10 साल का करेगा। आगे, ड्यूरिंग विच बोनस वॉज रिसीव्ड वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ ₹20 per year per 1,000, बोनस कितना है, 20 per year 1,000, 100 नहीं, ठीक है, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, मतलब उसने अब तक कितना पे किया ये पूछा है, इफ यू डिसकंटिन्यू पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 years, मुझे 2,00,000 रुपए का पॉलिसी मैंने निकाला है और वो कितने साल तक भरने का, ये वैल्यू 20, मतलब पर ईयर प्रीमियम कितना आएगा, इट वुड बी 2,00,000 डिवाइडेड बाय 20, 10,000, ये मेरा प्रीमियम आ गया पर ईयर का, मैंने कितने साल प्रीमियम भरा है, 10 साल, तो टोटल प्रीमियम पेड विल बी 10,000 इंटू 10, विच इज इक्वल्स टू 1,00,000,
बट बोनस भी तो मिल गया था बीच में, कितना मिला था? 20 रुपए पर ईयर। तो पहले 20 रुपए ले लेता ना इंटू 10, कितना मिला? 200 रुपए। आपने जो 10 साल प्रीमियम भरा ना, उस 10 साल में आपने को क्या मिला? बोनस मिला ना। तो एक साल का पर ईयर बोला है ना 20 रुपये, तो 10 साल ही भरा ना मैंने, तो 200 रुपया बोनस मिला। सबर अली यहाँ तक क्लियर है? अब उसने ना पर 1000, मतलब अगर आप 1000 रुपया भरोगे 200 रुपया मिलेगा। मैंने कितना भरा है? 1,00,000, 1,000, 3 और 3, अरे बराबर है कितना? अरे समझा क्या? पक्का समझा? पक्का? अब जरा देखो, बोनस जो मिलता है, बोनस जो मिलता है वो आपके प्रीमियम अमाउंट पे नहीं मिलता है, बोनस जो मिलता है वो पॉलिसी अमाउंट पे मिलता है। बोनस जो मिलता है वो प्रीमियम अमाउंट पे नहीं मिलेगा, बोनस जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। तो क्या आपका पॉलिसी वैल्यू 1 लाख का था? कितने का था? 2 लाख। मतलब यहां पे 2 लाख कितना हो जाएगा? अरे बात समझ में आया? क्लियर? नहीं तो अपना जजमेंट भाई, 1 लाख भरा है, 1 लाख का बोनस मिलेगा, बोनस प्रीमियम वैल्यू पे। समझ में आया? तो इस बंदे ने टोटल अब तक पॉलिसी में कितना पैसा भर दिया है? बोनस तो उसके अकाउंट में जमा है, प्लस लाख रुपया भी उसने डिपॉजिट किया है, मतलब टोटल पेड कितना हो गया? टोटल पेड 1 लाख प्लस 140। समझता है क्या? नहीं समझा? अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था? इफ यू डिसकंटिन्यू फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। पेड अप वैल्यू क्या था प्रीमियम का? 1 ही लाख था। बोनस तो फोकट का है ना, जो कि मेरे प्रीमियम में जमा होते जाएगा मेरे अकाउंट में। मैंने पॉलिसी लिया तो जिससे पॉलिसी लिया उसने बोला सर आपको हर साल हमारी तरफ से 20-20 रुपये मिलेगा। मैं तो डिपॉजिट कर ही रहा हूँ, मेरे को कब तक पैसा भरने का? जब तक 2 लाख जमा नहीं होता है। तो मैंने 10 साल में 1 लाख तो जमा कर लिया, प्लस मेरे अकाउंट में 20-20 रुपये जमा हो रहा था पर 1000 पे। तो 20-20 रुपये के हिसाब से कितना जमा हो गया मेरे अकाउंट में? बोनस। तो ये मेरे अकाउंट में जमा है 1 लाख, तो मैंने भरा है, तो मेरा पॉलिसी अब तक कितना हो गया है? 1,40,000 हो गया ना। अभी समझा? और कुछ डाउट? पक्का? तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।